सुप्रभात, सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रज्ञा। आइए शुरुआत करते हैं सुंदर योग साधना की। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, पंजे मिले हुए अधिकाधिक पंजों को सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, अधिक से अधिक खींचिए, उन्हें एक बार सामने की ओर ताने। खींचिए अपनी ओर और इसी प्रकार आगे पीछे पंजों को करते जाएं। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ, घुटने दबे हुए, रीढ़ बिल्कुल सीधी। प्रयास करेंगे विपरीत दिशा में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारी पांव की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल होती हैं, रक्त का प्रवाह सामान्य बनता है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, हल्का विश्राम। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें और धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करिए जी, करिए। एड़ियां लगातार आपकी ओर खींची हुई, लगातार घुटने आसन के निकट, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। इसमें रीढ़ और गर्दन को सीधा रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। करिए जी, करिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। करो जी, सब करो। आज 2 मिनट हम भी लेट हो गए हैं। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। पांव के जोड़ प्रभाव में, थाई की मांसपेशियां प्रभाव में, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में। करिए जी, करिए। कमर को सीधा करके करेंगे, बिल्कुल भी आगे नहीं झुकेंगे। करते जाएं, करते जाएं। एड़ियों को आगे मत जाने दीजिए जी। जितना एड़ियों को खींच के रखेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पांव को सीधा कर लें, विश्राम। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, आनंद पूर्वक श्वास को छोड़ना, आनंद पूर्वक श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक में रुकना, मूल बंद लगाकर। इस क्रिया के करने से मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं, मन हमारा एकाग्रचित बनता है। योग के प्रति कितने भाग्यशाली हम सब। प्रतिदिन सुंदर योगाभ्यास,
कल से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बंद आंखों में करने का प्रयास करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र, सभी बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलेंगे। सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, थोड़ा सा पांव को विश्राम दें। आइए जी, आज बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे, कई दिन से हमने नहीं की। एक बार दोनों पांव मिला लीजिए, पंजों के ऊपर बैठ जाएं। जिनको घुटने में दर्द है वो इसको नहीं करेंगे। अब दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को ऊपर उठा लें, घुटनों को मिला लें, गर्दन को, रीढ़ को सीधा कर लें। कोशिश सभी करेंगे लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। विशेषतया नए साधक, बुजुर्ग साधक इसको जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। बच्चों को इसका जरूर अभ्यास करवाएं, बहुत ही बढ़िया से कर पाते हैं बच्चे। उनकी चंचलता कम होती है, फोकस बनता है उनका, किसी भी विषय की पढ़ाई में मार्क्स उनके अच्छे आने लगते हैं। धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। इस क्रिया में रुकने से आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन जाता है। अंगूठे उंगली आसन पर लगने से, केवल अंगूठे उंगली लगने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे, आराम से, बहुत बढ़िया बेटा। दोनों हाथ नीचे, विश्राम ले लें, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हथेलियां बिल्कुल शरीर से चिपकी हुई, 5 उंगलियां मिली हुई। आज ताड़ासन करेंगे लेकिन दूसरी तरह से, दोनों भुजाओं को धीरे धीरे इसी अवस्था में तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, साइड से ले चलेंगे तानते हुए। इसी अवस्था में हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, बाहर की ओर, ये देखिए, और इसी अवस्था में रुकेंगे, शरीर को खींच के रुकेंगे, ये देखिए। हथेली का रुख मेरी ओर नहीं करना जी, ना अंदर की ओर करना, बाहर की ओर करना है।
तो आपकी जो कलाई है, आपके जो कंधे हैं, उस पर भी विशेष लाभ मिलेगा आपको। और पूरी तरह शरीर को खींच के रखना है, घुटनों को पीछे धक्का दे के रखना है, भुजाओं को कान के साथ रखना है। रुकिए रुकिए, कुछ ज़्यादा देर रुकेंगे इसमें। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। प्रज्ञा हमारे साथ है, आज का प्रदर्शन युवा शादी का, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। चेहरे पर कोई तनाव नहीं रखना जी, लगातार खुशी का एहसास, सुंदर मौसम का आनंद लें और शरीर में आते हुए प्रभाव को महसूस करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी, सब लोग करिए जी। श्वास छोड़ते हुए इसी अवस्था में तानते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे, एकदम से नहीं छोड़ेंगे जी, कभी भी कोहनियों को बिल्कुल ढीला नहीं पड़ने देंगे। जब पूरी तरह वापस आएं उसके बाद विश्राम। जब हम कोई भी क्रिया ईमानदारी से करते हैं, थोड़ा ठहर कर करते हैं, बंद आँखों में करते हैं, तो उसके बाद विश्राम का अलग ही मज़ा आता है। कटी चक्रासन, दोनों पाँव में घुटनों से ये कंधों के समान फासला, दोनों भुजाएं अब की बार कंधे की सीध में सामने की ओर तान दें। अब श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाओं को राइट साइड में ले चलें। अब बाएं हथेली आपके दाएं कंधे को छुएगी, लेकिन जो हाथ मुड़ गया उसकी कोहनी नीचे नहीं लटकेगी। ये हम गलती करते हैं कई बार कि हम कोहनी को नीचे लटका देते हैं, इसको आपने नहीं करना। पंजे अपनी जगह से नहीं लेंगे जी, पूरी तरह पंजे जमे रहेंगे एकदम आसन के ऊपर। धीरे धीरे सामने लेकर आएंगे दोनों भुजाओं को और अब श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। पंजे को नहीं लाना जी, इसमें कटी चक्र आसन, कटी प्रदेश, हमारा जो ऊपर का भाग है, नाभि या नितंब से ऊपर का भाग, उसे बोलते हैं कटी प्रदेश। उसको हमने चक्कर की भांति घुमाना है। धीरे धीरे सामने लेकर चलें दाई ओर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितना, जितना अच्छा पोस्चर बनेगा, जितना खुश होकर करेंगे। गर्दन भी मोड़िए जी, खाली हाथ नहीं, गर्दन भी जाएगी। धीरे धीरे सामने बाई ओर, लेफ्ट साइड। कलाई सीधी रखनी है जी। यहाँ पर भी एक गलती करते हैं हम, कलाई से मोड़ देते हैं। कलाई को नहीं मोड़ना, कंधे का प्रेशर बनाइए। धीरे धीरे सामने राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सामने लेकर आएं, तानिए एक बार और तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। पुनः विश्राम, रिलैक्स। इसी अवस्था में घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, साथ में उंगलियों को भी बंद करेंगे, खोलेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए हम कंधे भी प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले जो आसन किया ताड़ासन, उससे पूरे शरीर पर प्रभाव आया। अभी हमने कटी भाग किया, इससे हमारा नाभि मंडल और उससे ऊपर के भाग पर, गर्दन पर फर्क आया। और अब हम घुटनों को मोड़कर घुटनों में लचीलापन ला रहे हैं, साथ में उंगलियों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ये तीनों की तीनों क्रियाएं हम दिन में दो बार तीन बार कर सकते हैं जी। अपने ऑफिस में हैं तो भी कर सकते हैं। हर बार कोशिश हो एडी आपके हिप्स को टच करे। करिए जी, करिए करिए करिए, करने से ही फायदा होना है। बच्चे भी करें, बड़े भी करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास।
उन्हें दोनों पाँव में 2-3 इंच फासला। अब अपने राइट पाँव को आगे उठाकर और धीरे धीरे बैलेंस बनाएंगे, ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे, ये देखिए बिना घुटना मोड़े करेंगे। वेरी गुड बेटा, देख लें कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगे उसे बिना समझे ना करें जी। प्रतिदिन हमारे साथ हमारे युवा साथी इतना सुंदर प्रदर्शन देते हैं, लास्ट सैटरडे तो 8 साल के बच्चे ने इतनी सुंदर योगा अभ्यास करवाई, देख करके बड़ा ही आनंद आया। अब उल्टी दिशा से करेंगे, इसी पांव से उल्टा सर्कल, पंजे को तानकर घुटने को सीधा रखकर करना है जी। करिए 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 करिए, धीरे धीरे वापस आएंगे और इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, सहज भाव से करना, करने में आनंद की अनुभूति, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके करना। दूसरी दिशा से करिए और जो पाँव हमारा पृथ्वी पर है उसको ढीला नहीं छोड़ना, उसके घुटने को भी पीछे की ओर धक्का देना। चलिए जी वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें, पांचों उंगलियों को और कोहनियों को गोल गोल घुमाएंगे। अब करिए जी करिए, कोई भी समय हमने जाया नहीं करना, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सब आप जानते हैं, सब बढ़िया करते हैं, करो जी करो। अब इसमें ध्यान रखिए, जब आगे की ओर कोहनियाँ आएँ तो मुड़े आपकी टच हो आपस में, जब ऊपर की ओर जाएँ तो आकाश की ओर जाए उन कोहनियाँ, कोशिश करनी है पीछे से पीछे, और उंगलियां पाँचों कंधों से अलग ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए करें। विपरीत दिशा में कंधे जाम हो जाते हैं जी, लोग आते हैं जी हमारे कंधे हाथ ही नहीं ऊपर उठा पाते हम। अब दिनचर्या ऐसी हो गई, फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे, केवल खाना पीना, और वो खाना पीना भी लेट टीवी देखते हुए, तो बताइए कैसे चीज़ें सामान्य रहेंगी। करिए जी करिए, भोजन पर विशेष ध्यान देना है, केवल आपका सुबह योगाभ्यास से काम नहीं चलना। धीरे धीरे वापस आएंगे, विश्राम। रात का भोजन 7 बजे से पहले कीजिए, चबा चबा के कीजिए, बिना टीवी बिना मोबाइल के, संभव हो तो आज ज़मीन पर बैठकर कीजिए। चलिए जी शरीर हमारा तैयार हो गया है, एक बार चलिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं, बच्चे बड़ा अच्छा करते हैं। साइड से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जंपिंग करेंगे और हाथों को पाँव को ऊपर नीचे साइड में लेकर जाएंगे, इस प्रकार करिए जी। ये देखिए बच्चे बड़ा अच्छा करते हैं, हमारे युवा साथी तो बहुत बढ़िया करते हैं, आप जैसा संभव हो करिए। इससे देखिए पूरा शरीर हमारा खुल जाता है, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे, हो जाएगी, कोहनी को नहीं मोड़ेंगे जी, ऊपर से ऊपर करिए करिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बच्चे कितनी मस्ती से कितने बढ़िया से करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी वापस आ जाएं और आसन के अगले हिस्से पर आकर बंद आँखों में थोड़ा विश्राम ले लें जी। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का लाभ मिलता है, जिसे बिना कोई गलती किए अभ्यास करेंगे। पहली स्थिति एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका अज्ञा चक्कर पर, जहाँ पर तिलक लगाते हैं। देखिए भगवान सूर्य भी उदय हो रहे हैं, हो गए हैं, और साथ में प्रज्ञा, कितना अच्छा ये पोस्चर हमारे, जहाँ से हम ये कर रहे हैं लाइव कक्षा, कितना अच्छा लगता है। मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करें,
मंत्रोच्चारण करेंगे, पहले सुने फिर मिलकर बोलेंगे, आप भी बोलेंगे बाद में मेरे बाद। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें, हथेली सामने की ओर रहेगी जी, पुनः ध्यान रहे कलाई नहीं मोड़नी हमने, कंधों का दबाव पीछे बनाना है, पांच उंगलियां मिली रहेंगी, घुटनों को ढीला नहीं पड़ने देना, घुटनों का प्रेशर, थाई का प्रेशर पीछे की ओर, एड़ी मिली हुई, पंजे हल्के खुले हुए, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान करिए पीछे से पीछे। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकेंगे, भुजाओं को बगैर हिलाए कमर को झुकाइए जी, धड़ अपने आप आगे की ओर जाएगा, घुटना तो बिल्कुल नहीं मोड़ना जी, इसमें गलती कर देते हैं नए साधकों की, तो गलती जरूर होती है ये, लेकिन स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि हमने उंगलियां लगानी है, हथेली लगानी है, इसलिए थोड़ा घुटना मुड़ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं करना ये काम। उंगली हथेली लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है घुटने को सीधा रखना। गलत करते हुए हमने स्थिति में आगे नहीं बढ़ना। थोड़ा नाभि को पिचकाइए हल्का, सिकोड़ी अंदर की ओर, और फिर कमर से फिर से प्रयास कीजिए। ये जो कमर का पोर्शन होता है ना जी, ये बड़ा स्टिफ होता है बच्चों में, तो भगवान जो है बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबिलिटी ले दे के भेजते हैं, लेकिन हम अपनी दिनचर्या को ख़राब कर लेके और इसको इतना स्टिफ कर लेते हैं कि जरा सा भी आगे झुकने में बड़ी दर्द सी होती है। अभ्यास ही एक तरीका है इसको ठीक करने का। दोनों थैलियाँ जमाएंगे आसन पर, राइट पांव लेकर चले, कमर नीचे गर्दन ऊपर, माथा आसमान की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितनी बढ़िया, बच्चों को देख के कितनी एनर्जी मिलती है, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए 15 उंगलियां, अगर मैं साइड से कर रहा हूँ लेकिन अगर एक लाइन खींची जाए तो जरा सा भी उंगली में, हाथ के हथेलियों में और पंजे में जरा अंतर नहीं लगेगा जी। यही स्थिति आपने करनी है, पूरी तरह से हथेली आसन पर जमी हुई, पूरी तरह से कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, पीछे घुटना आपका हवा में रहे। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं, पहली टांग को हिलाना नहीं है जी, हाथों को हिलाना नहीं है, उसी अवस्था में अपनी एड़ियों को जोड़ लें, पांव के अंगूठों को जोड़ लें, ठुड्डी कंठकूप में, नाभि का हल्का संकोचन, अधिक से अधिक धड़ को अंदर की ओर धकेलिए। एड़ियां अगर आसन पर लग जाएं अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया। पिंडलियों के दोष समाप्त, साटिका नाड़ी स्वस्थ, कंधों में मजबूती, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में, क्रम्स की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, सहजता से आना, झटके से बिल्कुल नहीं आना जी, रुक जाए यहाँ पर एक बार। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, देखिए इतना सुंदर आपकी स्थिति बनती है। रुकें 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 जी, रुकने से होगा, खाली देखने से सोचने से नहीं होगा। कंपन नहीं आएगा कभी बॉडी के अंदर। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड, माथा, पंजों को खड़ा रखना है जी, लिटाना नहीं है, नाभि को अंदर संकुचित रखना है। जिनको माथा लगाने में कई बार श्वास लेने में दिक्कत लगती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, वो ठुड्डी लगाएंगे। अष्टांग प्रणाम है जी, ये विशेष आनंद देता है, तनाव तो रहता ही नहीं, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव।
धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद, विशेष सहन शक्ति देता हुआ हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से स्थिति को नहीं बिगाड़ना जी, ना घुटने खोलने ना एड़ी खोलने, कोहनियों को सीधा कर दें, गर्दन को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब प्रयास करें जी, देखिए सब कर सकते हैं, केवल सोचने की बात है। अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो पक्का आप कर पाएंगे। और जैसे ही आपने संदेश दिया आपने आपको, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो बस वैसा ही बॉडी हमारी रिएक्ट करती है। मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। पाँव को मिला के रखना है, घुटनों को मिला के रखना है। बहुत बढ़िया, कर्व रीढ़ का, श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठाएंगे। एड़ियां फिर से आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है। लगाइए लगाइए लगाइए, शरीर को वी शेप देने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, रुकिए रुकिए, देखिए रुकने से, हर आवृत्ति में रुकवाते हैं हम आसन, हम चाहे कम करवाएं। हमने रेलगाड़ी नहीं बनाना जी, हमने बिल्कुल सहजता से क्रियाओं को करना है। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे, पुनः 15 उंगलियां एक सीध में। अब की बार राइट पांव आगे है जी, लेफ्ट पांव पीछे है। एक ही सूर्य नमस्कार में दोनों तरफ से पेट पर प्रभाव मिल जाता है। इस स्थिति में लीवर के ऊपर दबाव पड़ता है, लीवर एक्टिवेट होता है बढ़िया से, और पैनक्रियाज में खिंचाव आ जाता है। और जब हमने चौथी स्थिति की थी उसमें विपरीत होता है। बहुत बढ़िया, दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे को खोलकर और महसूस कीजिए। ये जो स्थिति होती है, जो तीसरी स्थिति थी और अब ये दसवीं स्थिति है, दोनों में आपको अंतर लगेगा कि अरे मेरी उंगलियां तो आसन के और निकट पहुंच गई हैं। अभी आपने जो इसके बीच की स्थिति की, उसी से हमारी कमर जो है हल्की सी लचीली हो गई है। थोड़ा नाभि को संकुचित कीजिए और यहाँ पर आप अपने भोजन के ऊपर एक बार थोड़ा विचार करिए, क्या मैं चबा के खाता हूँ, क्या मैं बगैर टीवी देखे खाता हूँ खाती हूँ, और क्या मेरा भोजन समय के हिसाब से सही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। तानिए तानिए तानिए, नए साधक जो बाद में जुड़े हैं जल्दी से जुड़िए जी आप। देखिए पहले तो हम लेट होते हैं और फिर सोचते हैं कि, कई तो ऐसे होते हैं कि सूर्य नमस्कार चल रहा होता है कि अब सूर्य नमस्कार ख़त्म होगा तभी करेंगे, और उसमें 2-4 मिनट पहले तो लेट हुए, फिर और 5 मिनट और ख़राब कर दी। ऐसा नहीं करना जी, जहाँ से भी आपने शुरू किया वही बढ़िया है, नहीं तो सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करिए। खींचिए खींचिए ऊपर की ओर, पीछे की ओर दबाव थोड़ा बनाइए। घुटने देखिए ढीले नहीं पड़ रहे चाहिए, घुटनों को ढीला क्यों छोड़ रहे हैं जी, थोड़ा प्रेशर दीजिए घुटनों का, थाई का पीछे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, मुस्कान होठों पर, ध्यान भगवान सूर्य के चरणों में। रोम रोम मेरा प्रसन्न है, इस ऊर्जा मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे लें, आसन के ऊपर बैठ जाएं और सब आसन में लेट जाएं, बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब अपने आप को, दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर। वेरी गुड, सब आसन
सूर्य नमस्कार के बाद किया जाने वाला शवासन विशेष प्रभाव, आनंद, विशेष अनुभूति, ईश्वर का ध्यान करें, धन्यवाद करें। सभी अंगों की खुशी को महसूस करें। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। आइए अब थोड़ा शरीर हमारा फ्लेक्सिबल हो गया, कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बड़ी आसन करते हैं जी। सब प्रयास करेंगे, सबसे पहले करते हैं योग मुद्रा का अभ्यास। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर राइट हैंड से बाएं कलाई को पकड़ लें, रीढ़ को गर्दन को सीधा रखें, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जो पद्मासन लगाकर कर सकें पद्मासन लगाकर करें, अन्यथा बिना पद्मासन अपनी सुविधा के हिसाब से करें। करिए जी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अपनी नासिका को अथवा माथे को लगाने का प्रयास करें। कोशिश तो कीजिए कि मेरी नासिका या ठुड्डी लगे। बहुत बढ़िया बेटा, आपका तो पूरी तरह से नासिका लग गई है। देखिए बच्चों को एक बार हमने थोड़ी सी डायरेक्शन देनी है, एक बार उनको हौसला बढ़ाना है और फिर वो ऐसी सुंदर स्थितियां, ऐसे सुंदर आसन कि देख करके बड़ा आनंद आ जाता है। हमारी यही बच्चे जो हैं, यही हमारी भविष्य की दिशा को तय करने वाली है। इनमें अगर अच्छे संस्कार जाएंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। रुकिए जी, कोहनियों को सीधा रखिए पीछे, नाभि को पिचका करके रखिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से वापस आ जाएंगे, आराम आराम से वापस आएंगे। पांव को एक बार खोल लें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। इसकी दो स्थितियां और होती हैं, समय के अभाव में नहीं करवा रहे। एक बार राइट साइड में झुक करके भी करनी होती है और फिर लेफ्ट साइड में भी। चलिए जी, गोमुखासन करेंगे। मेरे को गोमुखासन तो बहुत ही बढ़िया लगता है प्रज्ञा का। आइए देखिए जी, आप भी देखिए और करिए साथ में। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव को मोड़कर बाएं पांव के नीचे से एड़ी को खड़ा कर लें, लेफ्ट पांव को मोड़कर साइड में बगल में लिटाएं, बाई भुजा बाएं कंधे के ऊपर से, दाई भुजा बगल से, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें। बिल्कुल रीढ़ को सीधा करके बड़ी सहजता से आंखें बंद करके रुक जाएं। पीछे हाथ को छूने का प्रयास करें, जिनकी उंगलियां छू जाए वो प्रयास करें कि आपस में उंगलियों को आपस में क्लैंप करने का। ये देखिए जी, मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, नए साधक अभी देख सकते हैं। पूरी तरह उंगलियां आपस में एक दूसरे के बीच में चारों उंगलियां क्लैंप कर हो जाती हैं। कोहनी आकाश की ओर है, शरीर बिल्कुल सीधा है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना है। हृदय आपका स्वस्थ, कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, पूरे शरीर की जो सुंदरता है, शेप है, वो बढ़िया बन जाती है जी। कहीं पे मोटापा है वो कम होता है, जहाँ पे कहीं पे चर्बी कम है वो भी सामान्य हो जाती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पांव को मोड़कर एड़ी को खड़ा करेंगे, एड़ी को खड़ा करके उसके ऊपर बैठना है जी। आपने एड़ी खड़ी रहेगी एड़ी, और राइट पांव को साइड से लेकर और राइट हैंड को ऊपर से लेकर बगल से लेफ्ट हैंड
पुनः जल्दी से स्थिति लें, समय का पूरा उपयोग करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, इतना फोटोजेनिक, इतनी सुंदर स्थिति है, जैसे फिल्मों के अंदर मॉडल्स होते हैं बिल्कुल वैसे। और ये देखिए, योग अगर हम करें, हमारे बच्चे करें, तो पर्सनालिटी बढ़ती है जी, कॉन्फिडेंस आता है। जितना आपका शरीर शेप में होगा, कोई इंटरव्यू हो, किसी भी कार्यक्रम में हम हिस्सा ले रहे हैं, तो सबको अच्छा लगता है जी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बहुत कम अभ्यास करने से बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लें, यहीं से दोनों हाथ राइट साइड में रखें, पाँव को एक साथ बाईं ओर से घुमाकर वज्रासन में आएंगे जी। आँखें बंद हैं, बंद रहे, दोनों थैलियाँ घुटनों के ऊपर हैं, दोनों घुटने मिले हुए हैं, पाँव के अंगूठे भी मिले हुए हैं पीछे से, रीढ़ गर्दन सीधी है, प्रसन्नता चेहरे पर, लगातार ईश्वर का ध्यान। अब तो बार बार बताने से हम लोग कक्षा के अलावा भी वज्रासन में बैठने लग गए हैं। अब तो हम भोजन के उपरांत भी प्लेट उठाने से पहले वज्रासन में बैठने लग गए हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। नए साधक जिनको नहीं पता, सबको होमवर्क देते हैं हम लोग, 2 मिनट आपने वज्रासन में ज़रूर बैठना है। तो नए साधक भी हमारे पुराने साधकों के साथ जुड़ें और वो भी इस होमवर्क को करें। क्लास ख़त्म होने के बाद, क्लास शुरू होने से पहले 2 मिनट वज्रासन किसी भी समय ज़रूर बैठें। आइए जी, उष्टासन का अभ्यास करेंगे। कमर के लिए बहुत ही उत्तम है ये आसन भी, प्रज्ञा का बहुत बढ़िया होता है। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए। थोड़ा सा पहले इसकी बेटा सहायक क्रिया करके दिखाओ, एक इसकी सहायक क्रिया। ये देखिए, साइड में अपने राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर, और फिर घूमना बगल्स में, फिर लेफ्ट हैंड को दूसरे कंधे पर, इस प्रकार से थोड़ा करने से आपके फ्लेक्सिबिलिटी आती है जी। देखिए जी, इसकी सहायक क्रिया है। वेरी गुड बेटा, घुटनों के बल खड़े होकर के कर रहे हैं हम लोग। देख लें अगर कहीं पर कोई डाउट हो। और एक मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि लैपटॉप लगा करके कीजिए जी आप, उससे आपको बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, वापस आ जाएं और थोड़ा सा विश्राम इसी अवस्था में खड़े खड़े कीजिए घुटनों के बल। चलिए जी, अब दोनों हाथ अपने रीढ़ पर लगाएंगे और धीरे धीरे लेकर चलेंगे पीछे। एड़ियों को अपने छू लीजिए, ऊपर से ले गए, देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने किया। और अब गर्दन भी पीछे ले जाएं, जो पूर्ण स्थिति में जा पाएँ पूर्ण स्थिति में, अन्यथा जितना झुक पाएँ उतना झुकें। हिप्स को धक्का देना है जी यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैं समझता हूँ वो है कि मेरे हिप्स जो है बिल्कुल पीछे ना जाएं जी, क्योंकि अगर हिप्स पीछे चले गए तो इसका जो लाभ हम लेना चाह रहे हैं, जो हम कमर को विशेष प्रभावित करना चाह रहे हैं, वो प्रभाव नहीं देंगे। देखिए जी, देखिए कहीं डाउट लगे ज़रूर देखिए। और ये आसन तो हमने समय होता है जी, रिटायर्ड हमारे बुजुर्ग साथी हैं या हमारी माताएं बहनें घर पर हैं, अगर समय है तो बीच में 15 मिनट आगे पीछे करके कुछ आसनों को बीच में देखिए, उससे प्रेरणा मिलेगी आपको, अपनी जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने में आपको सहायता मिलेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से पुनः वज्रासन में बैठेंगे, विश्राम लेकर
यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिलासन दाई ओर। दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा बाई टांग मुड़ी हुई। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। आज हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे, कई दिन से हमने नहीं किया है। दोनों थैलियां ठुड्डी के नीचे रख लें, कोहनी के बल खड़े हो जाएं आगे से, कोहनियों को निकट कर लें। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं जी, घुटने मिलाएं। ये जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत बढ़िया है जी, जो कमर को लचीला बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते कोई आसन, उनके लिए बड़ा आसान है ये। दोनों पांव मिलाकर राइट पांव को मोड़िए और एड़ी को रोकिए, यहाँ पर पीछे रोकिए, एक बार मोड़ करके रोकिए और प्रेशर बनाइए अपने हिप्स का, हिप्स की ओर। दोनों पंजे तने हुए, रुकिए रुकिए कुछ पल के लिए। बहुत बढ़िया, रोकिए रोकिए रोकिए, प्रेशर बनाइए एड़ी का। अब पांव को वापस लेकर जाएं और इसी प्रकार लेफ्ट पांव को लाकर रोकिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए कमर के ऊपर आप महसूस कीजिए, जो जब आप इस स्थिति में रोक कर करते हैं तो कैसा लगता है। करिए 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 करिए, प्रेशर बनाइए एड़ी का नितंब की ओर, जैसे कुछ पीछे से धक्का दे रहा हो आपके पांव को, पंजे को। वापिस आ जाएं। अब बिना रोके करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं करेंगे। राइट पांव को लेकर जाएं, लेफ्ट नीचे, फिर लेफ्ट को लेकर जाएं, राइट नीचे। करिए जी, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, करो जी, करो 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 करो, आँख बंद करके करो जी। इसमें बताओ एक बार समझ में आ गया फिर आँख क्यों खोल रहे हो जी। नहीं समझ में आए ज़रूर खोलो, लेकिन समझ में आने के बाद तो आँख बंद करके करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी साधना जो होती है अंतर्मुखी बनती है। जहाँ पर अंग हमारे काम कर रहे हैं उस पर विशेष हमारा ध्यान जाता है। आँख खोलने से जो हम ये ऊर्जा ले रहे हैं वो इधर उधर बिखर जाती है। दोनों पाँव से इकट्ठा कीजिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए जब से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे युवा साथी, युवा साधिकाएं हमसे जुड़ी हैं, हर बार में इनकी हर क्रिया के अंदर और अच्छा, और इम्प्रूवमेंट पाता हूं और परफेक्शन पाता हूं। चलिए जी वापस आ जाएं, शिथिल आसन ले लीजिए एक बार लेफ्ट साइड का। रिलैक्स, सामान्य श्वास कीजिए। लो बीपी में लाभकारी, हर पल ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर कृपा से ये देखिए संभव हो पा रही है। प्रतिदिन हम योग से जुड़ पा रहे हैं। दोनों पांव मिलाकर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा, 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा, तो निश्चिंत होकर आप आंख बंद करके कीजिए, पूरे मन से विश्वास से कीजिए। आइए पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे, गैस संबंधी रोगों को खत्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट पांव को मोड़कर दोनों हाथों से क्लैंप कर लें घुटने को। पंजे तने हुए जी, देखिए अब इसमें जब घुटने को पकड़ते हैं तो पंजों को ढीला नहीं छोड़ना, देखिए आप प्रज्ञा को। अब गहरा श्वास भरकर घुटने से, थाई से पेड़ को दबाइए, दबाइए भरे हुए श्वास में, और दबाइए, और दूसरा पंजा नीचे तना हुआ, दूसरे पांव का घुटना ना उठे। जब ना रुका जाए श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका घुटने के साथ लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, ये देखिए लेफ्ट पांव को बिल्कुल सीधा रखना है जी, उसको दबा के रखना है, तान के रखना है, और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुकें एक बार। बहुत बढ़िया जी, जो मोटापा कम करना चाहते हैं, गैस को
संबंधी जिनको समस्याएं हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है जी आसन। पवन मुक्त आसन कर रहे हैं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा तो प्रयास कीजिए जी। अब तो सारे आसन करके आपका शरीर बढ़िया हो गया है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा करके हल्का विश्राम। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से क्लैंप करें, गहरा श्वास भरकर पेट पर दबाना प्रारंभ कर दें। पंजे दोनों पांव के तने हुए, देखिए ये आसन भी बेटा बहुत ही अच्छा हो रहा है आपका, बहुत ही शानदार। इतनी बढ़िया स्थिति, इतनी फोटोजेनिक स्थिति बनती है। दबा के रखिए, दबा के रखिए भरे हुए श्वास में। श्वास छोड़ते हुए माथा लगा दीजिए या नासिका घुटने के साथ। वेरी गुड। इसमें दूसरे पांव को उठने नहीं देना जी, उसके पंजे को ढीला नहीं पड़ने देना, शरीर को साइड में टिल्ट नहीं होने देना। कई बार क्या होता है, एक तरफ हमारा शरीर झुक जाता है, इसको भी नहीं आपने अवॉइड करना है। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका बड़ा अच्छा प्रयास है। श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा करें, हल्का विश्राम, रिलैक्स। अंतिम स्थिति, आज का अंतिम आसन, दोनों पांव मिला लीजिए, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़िए, एक साथ। जिसने एक बार मोड़ा वो भी दोनों घुटनों को एक बार मोड़ना है। दोनों हाथों से क्लैंप करें, फंसाइए उंगलियों को और गहरा लंबा श्वास भरकर पेट पर दबाइए थाई को, घुटने को, और दबाइए और दबाइए, पंजे तानिए, पंजे दबार के और तान के। वेरी गुड, दबाइए 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 और श्वास छोड़ते हुए माथा नासिका दोनों घुटनों के बीच में और यहाँ पर रुक जाइए। वेरी गुड, ये देखिए जी कितनी छोटी सी इतनी लंबाई है हमारी प्रज्ञा की और कितनी छोटी सी एकदम गठड़ी सी बन गई जी। ये है जी योग का कमाल। कैसे भी अपने शरीर को फैला दीजिए, कैसे भी समेट लीजिए और उसमें रुक जाइए, आनंद आएगा उसमें रुकने में। सामान्य श्वास में रुके रहें, सब लोग करो जी सब लोग। दोनों हाथों से आपने घुटनों को क्लैंप कर रखा है, माथा आपका दोनों घुटनों के मध्य में है। अब जिनको मोटापा है उनको बड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन वो मोटापा कम कैसे होगा जब प्रतिदिन आप योग से जुड़ेंगे। दिक्कत आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि हमने योग करना ही नहीं है, तब तो और ज़्यादा करना है, समय से करना है, स्नान करके करना है, प्रतिदिन करना है। रुकिए 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 रुकिए, तानिए पंजों को, पंजे क्यों ढीले छोड़ रहे हो जी, पंजे बाहर की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, कंधे वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधे, शवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां बिल्कुल शिथिल, मन की आंखों से शरीर का मानसिक अवलोकन करें, प्रभाव को महसूस करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रतिदिन जुड़ेंगे जी, समय से जुड़ेंगे। मेरे बहुत सारे साधक जो अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं शुरू करते हैं क्लास उस वक्त जस्ट 50% होते हैं जितने अभी जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है, 15 मिनट 10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होती, बस मन रात को आपने कि आज तो मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही अपना आसन लगाकर नहा धोकर के बैठ जाना है। सच मानिए, उस ईश्वर को साक्षी मानकर मानिए। अगर आपने एक बार ये चीज़ सोच ली, हो ही नहीं सकता कि आप अगले दिन बिना नहाए और समय से पहले ना बैठ पाए। चलिए जी, कल से हम समय पर आएंगे, इस बात को संकल्प लें और कम से कम एक नए साधक को जोड़ेंगे जी। इतने हमारे साथी हैं, इतने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं और एक नए साधक को हम नहीं जोड़ पा रहे, तो ऐसा क्या फ़ायदा जी उस ग्रुप का।
आज जरूर फ़ोन करेंगे जी, कम से कम एक नए साधक को जोड़ेंगे। इसी संकल्प के साथ दोनों पांव मिलाएं, राइट करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। बैठिए जी जल्दी से, 5 मिनट हमारी एक्स्ट्रा हो गई है, 45 मिनट हमने सोचा हुआ है, 50 मिनट हो गई। चलिए जी, बड़े दिन से हमने सिंहासन नहीं करवाया जी, आइए एक बार सिंहासन करते हैं, जल्दी से करते हैं। बेटा जल्दी से स्थिति लो सिंहासन की, पद्मासन, सुखासन, या पीछे पांव को भी पीछे फैला सकते हैं, जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। अपनी हथेलियों के बल आ जाएं, हथेली इस प्रकार आए कि उंगली का रुख अंदर की साइड में हो, देख लें अगर कोई समझ में ना आए, आगे से आगे लेकर आए हथेली, कमर नीचे से नीचे हो, गर्दन पीछे से पीछे हो। ये आँख खोलकर करने वाली क्रिया है जी, इसमें दृष्टि आपकी नासाग्र पर, बिल्कुल नासिका के टॉप पर, जीवा को बाहर निकालकर 3 मधुर ध्वनियाँ, बहुत जोर की ध्वनियाँ नहीं, मधुर ध्वनियाँ करें। जीवा को बाहर निकालकर मधुर तवाज के साथ करिए, कमर नीचे से नीचे। धीरे धीरे करिए, गहरा श्वास लेकर फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। एक अंतिम आवृत्ति करेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आपने आसन का अभ्यास किया। बच्चे हमारे साथ होते हैं और प्रतिदिन नए नए बच्चे नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आते हैं, तो इनके साथ हंसने का अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। तो आइए सब लोग प्रज्ञा के साथ मिलकर हंसेंगे, मस्ती से हंसेंगे। हंसना प्रारंभ करेंगे। अंतिम आवृत्ति, शांत हो जाए जी। अब अपने एक निश्चित स्थिति में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, और कोशिश करें कि अब हमारे शरीर में हिलडुल ना हो। फिर भी बीच में स्थिति बदलनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे, बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगले 22 से 25 मिनट हम बंद आंखों में सुंदर प्राणायाम और प्रभु का ध्यान करने का प्रयास करेंगे। कुछ पल अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। कुछ पल श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें, मुस्कुराहट होठों पर, स्थूल शरीर को प्रभावित करने के बाद आइए प्राण शक्ति का सर्जन करें। इन दिव्य श्वासों के साथ जुड़ें, जिनसे हम प्राणी कहलाते हैं, जिनसे हम जीव कहलाते हैं, जिनसे हमारे अंदर जीवन है। मंद मंद मुस्कान, पूरा शरीर प्रफुल्लित, बाह्य अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम। ये जो प्राणायाम करते हैं बहुत ही बढ़िया है जी। ज्ञान मुद्रा की स्थिति रखें, थोड़ा सा श्वास भरें, रुकें कुछ पल नासिका द्वारा, फिर थोड़ा सा भरें, फिर रुकें, फिर थोड़ा भरें, रुकें, उन्हें थोड़ा भरें, रुकें, और इस प्रकार श्वास को भरकर अंदर रोक लें। जब लगे नहीं रुका जा रहा, धीरे धीरे थोड़ा सा श्वास को छोड़ें, पुनः रुकें, फिर श्वास को छोड़ें,
रुकें और इसी प्रकार 4 से 5 बार में श्वास को बाहर निकालें। एक आवृत्ति हुई, सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। अंतर देते हुए जैसे पानी हम पीते हैं, थोड़ा पीते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर थोड़ा पीते हैं फिर रुक जाते हैं, वैसे आपने श्वासों की क्रिया करनी है जी। करिए जी, सब लोग करिए, लेकिन जो मेरे साथी जो मेरे बच्चे बुजुर्ग इसका अभ्यास कर रहे हैं, उनको अगर श्वास संबंधी कोई भी रोग हो तो इस श्वास क्रिया को ना करें। वो केवल गहरे लंबे श्वास या अनुलोम विलोम का अभ्यास करें जो हम प्रतिदिन करवाते हैं। करते जाएं जी, करते जाएं। अब समझ में आ गया जी, अब आंखें क्यों खोल रखी हैं जी। आंखें बंद करके कीजिए, पूरा कंसंट्रेशन श्वासों पर दीजिए। हर आवृत्ति के बाद श्वास को सामान्य करके आप कर सकते हैं जी, और सब कोशिश करें कि मूल बंद आरंभ से लेकर अंत तक लगा रहे। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर संकुचित करके रखना मूल बंद कहलाता है। इससे हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी बनकर ऊपर की ओर शक्ति का संचय होता है जी, कुंडलिनी जागृत होती है। करिए जी, करिए। हमारा श्वसन तंत्र विशेष तौर पर प्रभाव में है जी। प्रतिदिन अभ्यास करने से ही ये क्रिया आप कर पाएंगे। अनुलोम विलोम के सारे लाभ मिलते हैं जी। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बड़ा ही सक्षम है ये, और सबसे ज़्यादा इसका जो फायदा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मन को साधने में, मन को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया है जी। जो मन हमारा चंचल है, कहीं पर बैठते हैं प्रेजेंट में नहीं रह पाता, वो या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में पहुँच जाता है। तो मन को प्रेजेंट में रखने के लिए बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी, प्रभावशाली है ये प्राणायाम। करते जाएं जी, और ध्यान आपका अपनी क्रिया पर, श्वासों पर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस आवृत्ति को पूर्ण करते हुए। विश्राम लें, आंखें लेकिन बंद है, श्वास सामान्य। अगर आपके पास समय हो तो शाम को कुछ 15 मिनट, आधा घंटा और अपनी साधना को आगे बढ़ाएं, या क्लास के उपरांत करें। चंद्रभेदी प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अनुलोम विलोम का हाफ पोर्शन समझो, इससे शीतलता मिलेगी।
राइट अंगूठा जो हाथ का अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अनामिका को हटाते हुए बाई ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए। दोनों नासिकाएं बंद करके श्वास को रोकिए, साथ में मूल बंद। जब ना रुका जाए अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए, पुनः लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए। हर बार आपने लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है अनामिका हटाकर। अगर संभव हो सके तो रोकना है श्वास को, आंतरिक कुंभक लगाना है और फिर उसके बाद अंगूठे को हटाते हुए श्वास को बाहर करना है। करिए जी आवृत्तियां। कहीं भर भी आपको बेचैनी लगे, नहीं हो पाए तो सिंपल अनुलोम विलोम करें जी, वो सब कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, क्योंकि उसमें हमारी श्वास रोकने की आवश्यकता नहीं होती, वो क्षमता अनुसार कर सकते हैं। गर्मी का मौसम अब पीक पर आ गया है, दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो शीतलता जो ये शीतली, ये जो आपका शीतली एक प्राणायाम होता है हमारा, वो भी हम करवाते हैं। उसके अलावा ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, ये भी हमें शीतलता देने वाला होता है। गर्मियों में ही इसका ज़्यादा अभ्यास करवाते हैं हम केंद्रों पर। करिए जी, करिए करिए। इसके अलावा आप और भी सुनिए, ये प्राणायाम तो करते जाइए। अगर संभव हो जी, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इस मौसम में आप मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको आपने घर पर रखना है, उसी के पानी को आपने सेवन करना है जी। फ्रिज का पानी बिल्कुल आपने अवॉइड करना है जी। कोल्ड ड्रिंक्स तो आपने प्रयास करें कि घर में आपके एंट्री ना कर पाएं, बहुत खतरनाक चीज़ होती है जी कोल्ड ड्रिंक्स। जितने भी ड्रिंक्स हैं, कोई जूसीज हैं जो फ्रिज रिजर्वेटिव उसमें लगा के रखते हैं, केमिकल्स जिसमें लंबे टाइम के लिए रोकने के लिए, वो सारे के सारे मेरे हिसाब से तो बेकार ही होते हैं जी। उसकी जगह आप घर पे आजकल मौसमी आई हुई है, मौसमी का जूस पीजिए। फ्रूट्स आए हुए हैं, आम आए हुए हैं, आम को थोड़ा पानी में डालकर जब खाने से पहले घंटे भर फिर उसका सेवन कीजिए। सीजनल फ्रूट अगर आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे जी। फ्रिज की चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे उतना आपकी स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। करते जाएं जी चंद्रभेदी प्राणायाम। बच्चों को नहीं रोकना आपने कि बेटा ये मत कर वो मत कर, उससे पहले हमने खुद पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप टीवी देखते हुए और बच्चों को बोले कि बेटा टीवी मत देखिए, पढ़ाई कीजिए, तो कैसे ये संभव हो पाएगा। बच्चों को करके दिखाना है आपने, उनको बोलना नहीं है। बहुत बढ़िया, गर्दन सीधी, कमर सीधी, करते जाएं आवृत्तियों को। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत, आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। इसके भी प्रभाव को महसूस करें, जुड़िए इसके प्रभाव के साथ। एक बार इसी अवस्था में बैठे बैठे होठों को बंद करके अपनी जीवा को अपने दांतों के चारों तरफ घुमाइए जी, पांच क्लॉकवाइज, पांच एंटी क्लॉकवाइज। जैसे दांत तो के बाहर की साइड में कोई चीज़ फंस गई हो और उसको हम जीवा से निकालना चाह रहे हो, ऐसे अपने पूरे 32 के 32 दांतों के टच करते हुए जीवा को पांच बार क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे
पांच बार एंटी क्लॉकवाइज बाहर की साइड से, ये एंटी सिस्टम के लिए, माइंड के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है जी ये। धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो इसी क्रिया को आपने 8 से 10 बार करना है। बच्चों को जरूर करवाइए, इसको खेल खेल में करवाइए। दोनों साइड से करेंगे 5-5 बार। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। आइए उस ईश्वर का, उस प्रभु का ध्यान करें। पूरे विश्वास से, मन से पुकारेंगे। इतनी सुंदर कृपा आशीर्वाद उनका बरसता है सुबह सवेरे, सब मिलकर साथ देंगे। रीढ़ को सीधा रखें। मन ही मन लेकिन ओम का जाप चलता रहे। ओम के साथ जुड़ें, हर ध्वनि में उस प्रभु की अनुभूति लें, उस प्रभु का आशीर्वाद लें। विशेष प्रभाव, विशेष वाइब्रेशंस पूरे शरीर में महसूस करें और अब बिल्कुल शांत होकर कुछ पल के लिए हो जाएं उस ईश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ, उस परमपिता परमेश्वर के साथ। कीजिए उसे महसूस।
प्रभु का आशीर्वाद महसूस कीजिए। प्रभु इसी प्रकार प्रतिदिन हमें आपकी अनुभूति हो, आपकी गोद मिले, आपका सुंदर साथ, सुंदर आशीर्वाद मिले, ऐसी कृपा बना के रखना प्रभु, बना के रखना। हमारी भूलों को, गलतियों को माफ़ करना, हमें सही रास्ते पर सदैव बना के रखना प्रभु, सदैव बना के रखना। बार बार अनुग्रह, बार बार विनती, आइए मिल करके शांति पाठ करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, एक दूसरे के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए। पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। ईश्वर कृपा से पूरा दिन ये शांति बनी रहे, हर पल ईश्वर के साथ हम जुड़े रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, जो योगिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आपका आभार, कल आप सबने एनिवर्सरी के मौके पर मुझे आशीर्वाद, अलका को आशीर्वाद मिला, इसी प्रकार आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। हमेशा आप हमारी इस योग कक्षा से जुड़े रहें और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। प्रज्ञा का विशेष धन्यवाद। देखिए बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, बड़े मन से जुड़ते हैं जी, हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी इनको बोलते हैं कि कल आपने आना है, कभी भी ना नहीं होती जी, एक बार भी कभी मैंने नहीं सुना कि ना हुई हो। और बहुत इनके अंदर संभावनाएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे। योग से जुड़ने के बाद तो रुकने का मतलब ही नहीं है जी, तो इसे आशीर्वाद दें। पूरे परिवार को साधुवाद। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, जिनके सुपरविजन में हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान हैं, उन सब का भी विशेष धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आप भी इस यज्ञ में आहुति दीजिए, कम से कम एक साधक साधिका को जरूर जोड़िए जी, एक परिवार को जरूर जोड़िए।